स्पॉन्सरशिप स्कीम चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के अंतर्गत चलने वाली ये योजना बच्चों के लिए उनके एजुकेशन के लिए चलाई जा रही है, जो पूरे भारतवर्ष में चल रही है, जो बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम करती है और इसको प्रवर्तकता कार्यक्रम भी कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की योजना, जिसमें हर बच्चे को 2,000 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है, जिससे बच्चे की शिक्षा ना रुके। चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चैनल में बच्चों से संबंधित जानकारियां आपको प्राप्त होंगी। ऐसी जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। स्पॉन्सरशिप बेसिकली संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन 2009 द्वारा बाल अधिकार को प्रदत्त किए जाने की पारित प्रस्ताव के दृष्टिगत जेजे एक्ट 2015 की धारा 45 के प्रावधानों के अंतर्गत उपेक्षित बाल श्रम में योजित घर से पलायित करने वाले स्ट्रीट चिल्ड्रन, संस्थागत देखरेख में रहने वाले बच्चे, परित्यक्त बच्चे, अनाथ बेसहारा बच्चे, आर्थिक रूप से विपन्नता से प्रभावित, विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर, मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग होने के कारण उपेक्षित किशोर, कुष्ठ रोग अथवा एड्स रोग से पीड़ित बच्चों के जीवन, विकास, पौष्टिक पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के अधिकार को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा ICPS के अंतर्गत ये स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्पॉन्सरशिप के द्वारा बच्चों के चिकित्सीय भरण पोषण एवं शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं हेतु परिवारों को अनुपूरक सहायता के रूप में धनराशि प्रदान की जाएगी, जिससे बच्चों के जीवन के स्तर में सुधार हो सके और बच्चों को किन्हीं कारण से स्कूल से विरत न किया जा सके। इसके साथ ही ऐसे परिवार जो आर्थिक संसाधनों से अभावग्रस्त हैं, जिनके कारण उनका एवं उनके बच्चों का किसी प्रकार से शोषण हो सकता है, को चिन्हित कर वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना है। इसके साथ ही ऐसे बच्चों का पुनर्वासन जो गरीबी के कारण बार बार घर से पलायित कर संस्था देखरेख में आते हैं अथवा सक्षम न होने की दशा में परिवार द्वारा बच्चों की देखरेख संस्था में प्रवेश दिलाया जाता है, अथवा ये बच्चे संस्थागत देखरेख में हैं और उनके पारिवारिक गरीबी के कारण वापस परिवार में नहीं जाना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना हो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इस योजना का उद्देश्य है ऐसे बच्चों को जो संस्थागत हैं और गैर संस्थागत हैं, और इसके अलावा ऐसे बच्चे या ऐसे परिवार जो देख रेख करने में अपने बच्चों का सक्षम है या उनके जैविक अभिभावक माता पिता में से कोई एक जीवित है, उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के अंतर्गत स्पॉन्सरशिप योजना से लाभान्वित किया जा सकता है। पात्र बच्चों के चयन की विधि। स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर एक, वो जो अपने माँ बाप से बिछड़ गए हैं या अपने माता पिता से अलग हैं या अनाथ हो गए, बेसहारा हो गए, बाल गृह में रहते हैं। नंबर दो, ऐसे बच्चे जो परिवार की आर्थिक स्थितियों के कारण बाल श्रम में योजित हैं या फिर उन्हें परिवार किसी तरह से असक्षम है उन्हें पालने पोसने में, तो उन्हें बाल गृह में प्रवेशित करा दिया गया है, तो ऐसे बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरी चीज़, इसमें आय सीमा जो दी गई है वो ग्रामीण के लिए अलग और शहरी के लिए अलग दी गई है। ग्रामीण के लिए अधिकतम आय 46,080 और शहरी क्षेत्रों के लिए 56,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना में दोनों ही वर्गों के बच्चों के लिए एक वरीयता क्रम दिया गया है, जिसमें बच्चे की माता विधवा है अथवा बच्चा माता विहीन है, कुष्ठ रोगी, HIV से सघन रोग से संक्रमित परिवार, हेतु आय अर्जन करने हेतु तात्कालिक रूप से जीविकोपार्जन हेतु व्यवसाय अथवा नौकरी छूट गई हो और आय का कोई स्रोत न हो, विशेषीकृत आवश्यकता वाले मानसिक शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे, बाल श्रम से मुक्त कराए गए परिवार में स्थापित किए बच्चे। जो भी बच्चे इस पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनके परिवार के अधिकतम दो बच्चों को 2,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता धनराशि दी जाती है और ये अधिकतम 3 वर्ष के लिए है, कम से कम 1 वर्ष के लिए हो सकता है। इसके साथ ही योजना में अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार की कोई अन्य योजना का लाभ अगर किस परिवार को मिल रहा है तो इस योजना का लाभ उसे नहीं प्रदान किया जाएगा। अब बात करते हैं कि बच्चों को धनराशि कैसे स्थानांतरित की जाएगी। इसके लिए एक अकाउंट खोलना पड़ेगा जो पेरेंट्स के साथ ज्वाइंट होगा और उसमें प्रत्येक त्रैमासिक स्तर पर यानी तिमाही जो है बच्चों को धनराशि खाते में दी जाएगी। और इसके साथ ही इसमें जो DCPU है वो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो पास का निकट का स्कूल होगा उसमें उनका विद्यालय में प्रवेश कराया जाएगा। स्पॉन्सरशिप स्कीम जब भी आरंभ होगी बच्चे के साथ, तो उसमें DCPU के द्वारा जो ग्राम बाल संरक्षण समिति के माध्यम से, ग्राम बाल संरक्षण समिति के बारे में हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, परामर्श और निर्देशन हेतु सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें बच्चे के संपूर्ण विकास, परिवार की क्षमता वर्धन के भी प्रयास किए जाएंगे। स्पॉन्सरशिप का लाभ उठा रहे बच्चों को यह सुनिश्चित, उनके अभिभावकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे स्कूल या आंगनबाड़ी में कम से कम नियमित रूप से 75% उपस्थिति हों। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों को एज के अनुसार संपूर्ण आहार मिल रहा हो और उनके स्वास्थ्य संबंधी सभी आवश्यकताएं पूर्ण हों, जिसमें टीकाकरण भी सम्मिलित होता है।
स्पॉन्सरशिप योजना का निरस्तीकरण कैसे होगा? निरस्तीकरण का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा लाभ प्राप्त कर रहा है, अगर जितनी भी नियम और शर्तें दी गई हैं इस योजना के अंतर्गत उसका अनुपालन नहीं किया जाता है या अन्य कोई भी स्थिति पड़ती है तो उसका निरस्तीकरण भी हो सकता है। जैसे बच्चे की 18 वर्ष आयु पूर्ण हो गई हो, या उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया हो, या बच्चा स्कूल या आंगनवाड़ी जाना बंद कर दिया हो। बच्चे का प्रत्येक स्थिति में 75% उपस्थिति स्कूल में आंगनवाड़ी में अनिवार्य है। इसके साथ ही बच्चा किसी संस्थागत देखभाल में भेज दिया गया हो, या बच्चा घर से पलायित हो गया हो और अब उसको वो प्राप्त ना हुआ हो, यानी उसकी बरामदगी ना हुई हो, ऐसी स्थितियों में ये जो है स्पॉन्सरशिप का लाभ जो है निरस्त कर दिया जाता है और उसका लाभ आगे प्रदान नहीं किया जाता परिवार को। इसके साथ ही बच्चे से कोई आय प्रवक श्रम लिया जा रहा हो, जहाँ माता पिता योजना का लाभ पाने के बाद भी बच्चे की समुचित देखभाल करने में अपने आप को असक्षम पा रहे हों, बच्चे द्वारा विधि का उल्लंघन किया जा रहा हो, या किसी अन्य योजना के तहत उस परिवार को आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही हो, या परिवार द्वारा बच्चे को प्राप्त अनुपूरक अनुदान का दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसी कोई भी स्थिति होने पर जो है स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ निरस्त कर दिया जाएगा और बच्चों को या परिवार को ऐसा लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा। अब बात करते हैं आवेदन कहाँ और कैसे करें। इसके लिए आपको बता दें, आपके अपने जनपद में जिला अधिकारी कार्यालय अथवा जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय होता है, वहां से आप फॉर्म प्राप्त करके फॉर्म भर के उसके साथ सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगाकर वहां जमा कर सकते हैं। इस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में उन्होंने बताया कि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के अंतर्गत स्पॉन्सरशिप आता है, और आप इस चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो में देख सकते हैं। इससे पहले मैंने चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज का वीडियो बनाया हुआ है। दोस्तों, योजना के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास किया गया है, और इसके साथ ही आपको बता दें कि स्पॉन्सरशिप स्कीम भारत सरकार के स्तर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा काफ़ी कुछ परिवर्तन किया जा रहा है, जो शीघ्र ही आपके सामने होगा, और आपको जल्दी ही स्पॉन्सरशिप स्कीम के बारे में काफ़ी अपडेट्स मिलेंगे कि इसमें धनराशि की बढ़ोतरी की गई है और कई सारी क्राइटेरिया बढ़ाए गए हैं जिससे अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके और बच्चे विकास की मुख्य धारा से जुड़े जा सके। अब तो वीडियो में जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।